गाइस, मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ फिर से भर भर के मीशो हॉल। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉर टुडेज़ वीडियो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड, क्योंकि आज की वीडियो आप सबकी पसंदीदा होने वाली है, जो है मीशो हॉल बेसिकली। तो मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आ गई हूँ एक अमेजिंग सा मीशो हॉल, और जो आज के प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं वो इतने ज़्यादा आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बना देंगे ना। तो मतलब मैंने चुन चुन के वही प्रोडक्ट्स आपके लिए मंगवाए हैं जो मतलब आपकी लाइफ को और ज़्यादा कम्फर्टेबल बनाने के लिए। सो बिना देर करते हुए वीडियो को करते हैं जल्दी से स्टार्ट। सो गाइज, इट्स टाइम टू अनबॉक्स आवर फर्स्ट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने क्या मंगाया है वो मैं आपको पिक करती हूँ। तो मुझे भी नहीं पता क्या है, मैं आपके सामने अनबॉक्स करूँगी। सो दिस इज़ आर फर्स्ट प्रोडक्ट। बहुत क्यूटू सा है, मीनू सा है। मतलब मैंने सबसे छोटे प्रोडक्ट से अनबॉक्सिंग स्टार्ट की है, तो मैं पढ़ती हूँ क्या है पहले तो ये। सो दिस इज़, तो ये वाला प्रोडक्ट है आपका बेसिकली। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा दूँगी कि कौन सा मैंने प्रोडक्ट ऑर्डर किया, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक भी आपको मिल जाएंगे, ताकि आप जल्दी से झटपट से आपको कोई पसंद आए प्रोडक्ट और आप सीधा जाके लिंक पे क्लिक करो और सीधा वहीं पहुँच जाओ। सो हम लोगों ने ये ओपन कर लिया है, ये वाला फर्स्ट प्रोडक्ट है। तो गाइस, ये फट गया है थोड़ा सा, तो मैं दिखाती हूँ इसको। या सो दिस इज़ अ बेसिकली अ चार्जर केस। ये आपके चार्जर के लिए उसके कपड़े हैं, मतलब चार्जर केस है, चार्जर कवर है। क्योंकि क्या होता है ना कि हमारा चार्जर काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, तो कहीं ना कहीं से वो ब्रेक होने लगता है, या फिर वायर ब्रेक हो जाती है, या फिर जो उसका क्या बोलते हैं उसे आगे वाले को जो भी बोलता है वट एवर, तो वो आपका मतलब ब्रेक होने लगता है, गंदा हो जाता है। तो मैंने ये क्यूटू सा, आप देख पा रहे हो अगर, तो ये वाला चार्जर केस ऑर्डर किया है। तो इसके साथ ही आई है वायर। सो क्वालिटी वाइज, और फिर ये वाला वायर भी आई है इसके साथ। तो मेरे चार्जर में मुझे पता नहीं है कि, क्योंकि पता है ये चार्जर ना उन्हीं चार्जर केस उन्हीं के लिए सूटेबल है जिनके चार्जर की जो प्लग पॉइंट है वो इधर वाली साइड है। मतलब आपके चार्जर का जो प्लग वाला हिस्सा वो इधर होगा और वायर वाला हिस्सा इधर होगा, तो ये इस तरीके से लग जाएगा आपके चार्जर में। और ये वायर पे ये जो दे रखी है स्पाइरल टाइप, तो ये ऐसे ऐसे करके मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि किस तरीके से होगा। सो बेसिकली आपको वायर के आसपास ऐसे ऐसे करके रोल करना होता है, ट्विस्ट ट्विस्ट करके आपकी पूरी वायर इससे कवर हो जाएगी। और काफ़ी ज़्यादा लंबी है गाइस, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटू सी वायर दे दी है, काफ़ी ज़्यादा लंबी है। चाहे आपका चार्जर कितना भी बड़ा हो, ये ईजिली आपके चार्जर में फिट हो जाएगी। सो ये था हमारा पहला प्रोडक्ट। इसका प्राइस मैं बता दूँ, प्राइस आपका इसका है, तो ये प्राइस इसका है प्रोडक्ट का। सो गाइस, इट्स टाइम टू अनबॉक्सिंग आवर सेकंड प्रोडक्ट। तो सेकंड प्रोडक्ट जो मैंने ऑर्डर किया है वो है ये वाला बड़ा सा बॉक्स है। तो देखते हैं इसमें क्या आया है क्या नहीं। सो लेट मी फाइंड आउट व्हाट्स इन दैट। सो गाइज, ये है चोपर। चोपर का कोम्बो आया है, इसमें दो चोपर मैंने मंगवाए हैं, तो देखते हैं कैसे है कैसे नहीं। और इमेज है ये वाली, इस तरीके के दो चोपर्स मैंने मंगाए हैं, और प्राइस भी आप देख सकते हो लिखा हुआ, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस इसका है। क्योंकि ये उस टाइम पे ऑफर में चल रहे, तो मे बी अभी इंक्रीज़ हो गया, और इसके साथ तो थोड़ा बहुत प्राइस डिफर कर सकता है। क्योंकि मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स मंगाए हैं ऑफर में से मंगाया है, तो आप मेरा ये वाला लिंक यूज़ करोगे डिस्क्रिप्शन वाला, तो आपको आप सीधा इन प्रोडक्ट्स पे पहुंच जाओगे। सो गाइस, फर्स्ट वन इज़ दैट चोपर। ये इस तरीके का कुछ चोपर आया है, और इसके साथ ही ये पॉलिथीन आई है, और ये निकल नहीं रहा, खुल गया है। तो ये दूसरे वाला चॉपर है, एक मतलब मिनी चॉपर आपका आएगा और ये आपका बड़ा वाला चॉपर आएगा। तो इसमें आप क्या है कि मतलब दोनों ट्रांसपेरेंट है, आप कुछ भी चीज़ ग्राइंड कर रहे हो, प्याज टमाटर वगैरह जो ग्राइंड कर रहे हो, तो आप इजीली इसको ग्राइंड कर पाओगे। ये आपका सूटेबल रहेगा अगर आप गार्लिक और कुछ चिली वगैरह छोटी चीज़ मतलब अगर आपको ग्राइंड करें, तो उसके लिए ये सूटेबल रहेगा। अगर आपको बड़ी चीज़ कुछ ग्राइंड करनी है, जैसे अनियन करना है, टमाटो करना है, तो उसके लिए ये वाला सूटेबल रहेगा। तो आपको ओपन करके दिखा देती हूँ दोनों किस टाइप से हैं। तो गाइज, ये वाला ना इसके साथ विस्कर भी आया है, तो आप इसको
इस तरीके से आपको ये चॉपर के ब्लेड्स मिलेंगे, तो आपको ये यहाँ पर लगाना है, फिट करना है। इसके अंदर ना एक वो दे रखी है बीच में ये ओवल सा, तो इसके अंदर ये फिट हो जाएगा इस तरीके से। देन जो आपका ये कवर है तो ये लग जाएगा, कवर के ऊपर भी वाइट वाइट कलर का दे रखा है, तो आप इसको ऐसे लगा के आप इसको ऐसे घुमा सकते हो। तो ये लग चुका है अभी, और इसके अंदर जो भी चीज होगी आप इसको ऐसे ऐसे करोगे तो ये पिस जाएगा। तो इसकी एप्लीकेशन मैंने आपको दिखा दी है, बाकी अगर आपको मतलब प्रोडक्ट अच्छा है यार, इतने में क्या ही आता है, अगर आपको दो चॉपर्स मिल रहे हैं तो आई थिंक दिस इज़ अ गुड डील। और आपको ये विस्कर भी मिल रहा है, तो ये भी विस्कर भी इसी तरीके से आप इसको फिट कर सकते हो, जैसे आपको लस्सी बनानी है, अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो गाइस अभी वो दिन चलेगा कि आप मतलब मिक्सर उठाना छोटी छोटी चीज़ के लिए, मुझे ना बहुत आलस आता है उस चीज़ में कि मैं मिक्सर ग्राइंडर उठा के लाती हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है ये कि आपके किचन में ही रखा है और आप सीधा सीधा बस इसको डालो और सीधा सब्जी डालो और बस घुमाते रहो और वो मिनटों में मैं जाइए। चटनी भी आप इससे बना सकते हो, चटनी बना सकते हो, आप अपना एक्सपेरिमेंट कर सकते हो जो जो चीज़ आप करनी है। सो ये तो दोनों चॉपर्स, इसको भी मैं चला के दिखा देती हूँ, ये ऑलरेडी फिट हो रखा है इसमें। मतलब देखो इसमें टू ब्लेड्स आएंगे आपके, और उसमें आई थिंक थ्री ब्लेड्स हैं, हाँ थ्री ब्लेड्स इसमें आएंगे और इसमें ज़्यादा ब्लेड्स हैं बड़े वाले में। तो आप इस तरीके से इसको घुमाओगे, इतना भी आप लंबा खींच सकते हो, इतना लंबा ये जा रहा है, तो इसको आराम से खींच के कोई भी चीज़ पीस सकते हो। सो मुझे तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे, मेरी तरफ से 10/10। गाइस नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो ये वाला इस पार्सल में आया है। ये बेसिकली आपकी एक ट्राईपोड स्टैंड कम ट्राईपोड स्टैंड ही आई थिंक ये सेल्फी स्टिक ट्राईपोड स्टैंड है। तो मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि अगर आप बिगनर हो, यूट्यूबर हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सही है ये वाली प्रोडक्ट। तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स। सो गाइज ये कुछ इस तरीके के बॉक्स में आपको मिलेगी, अगर आप देख पा रहे हो तो। इसको ओपन, इसमें से क्या निकलता है, गाइज दिखने में ना काफ़ी ज़्यादा छोटी लग रही है, मुझे नहीं पता इसकी लेंथ कितनी होगी। मतलब ये ना काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल है, मैंने जानबूझ के इसे मंगाया, क्योंकि क्या होता है ना कि कहीं भी आप ट्राईपोड, आपको अगर वीडियो शूट करनी है तो आप इतनी बड़ी रिंग लाइट अगर वो फोल्डेबल नहीं होती है ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है उसको एडजस्ट करने में और ले जाने में। बट ये वाला देखो, मतलब बिल्कुल इतना ज़्यादा स्मूथ, ये यहाँ से देखो ऐसे ओपन हो जाएगी, इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हो। सो देन आपको ये लाइट दी गई है यहाँ पे, तो मैं लाइट एक बार देख लेती हूँ इसकी। ये आपको पीछे ना एक बटन मिलेगा छोटा सा, अगर आप देख पा रहे हो, तो इस तरीके से आप इसको ऑन करोगे तो लाइट ऑन हो जाएगी। ये ऑन हो रही है, इसके मोड देख लेते हैं। अब देखो हाई मोड हो गया, अब बंद हो गई। इसके ना मतलब आपको दो मोड मिलेंगे, अगर आपको कम करनी है कम कर सकते हो, मतलब मेरे फेस पे देखो, अगर आपको कहीं भी आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे मतलब थोड़ा बहुत अगर लाइट वो थोड़ा डार्क है और आपको सेल्फी क्लिक करनी है, सो दिस इज़ वेरी नाइस। मतलब आप ऐसे कैरी करो, इसको हाथ में ले जाओ और काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो ये लाइट है इसकी साथ में, देन आपको ये छोटे छोटे से इस तरीके से ये मिल जाएंगे, ये ओपन हो जाएंगे यहाँ से, और आप ओपन करके इसमें फ़ोन लगा सकते हो। और मैं देखती हूँ इसमें कुछ और भी है। तो गाइज ये आपको छोटी सी डेटा केबल मिल रही है चार्ज के लिए, आई थिंक ये इसी में लगेगी और इसी में लग के चार्ज हो जाएगा फ़ोन आपका। देखो यहाँ पे दे रखा है, तो ये छोटे वाली इस तरीके से लग जाएगी यहाँ पे, आई थिंक लगनी तो ऐसे ही चाहिए। वैसे इस तरीके से आपको फिट हो जाएगी, मतलब ज़्यादा अंदर नहीं जा पा रही है, बट इतना ही अंदर जा पा रही है, आई डोंट नो व्हाट्स द प्रॉब्लम। सो ऐसे अगर आप इसको लगाओगे तो, और साथ में अपने जो चार्जर का वो होता है होल्डर सा होता है, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो और चार्ज हो जाएगी आपकी लाइट। नेक्स्ट जो चीज़ देखते हैं वो ट्राईपोड इसमें है। तो और एक आपको इसके साथ मिल रही है, हाँ ये इस तरीके की कुछ क्यूट सी मैनुअल आपको मिल रही है, सेल्फी स्टिक मैनुअल इस पर लिखा हुआ है। तो आप इसमें एप्लीकेशन देख सकते हो कौन सी चीज़ क्या क्या यूज़ होती है, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। एक साइड जैपनीज में लिखा है और एक साइड आपका
इंग्लिश में लिखा है, तो ये जो है ये स्टार्टिंग वाला आई थिंक ये 8 नंबर पे फिल लाइट है, फिल लाइट का ऑप्शन है ये, इसको फिल लाइट बोलते हैं। और गाइस ये 360 डिग्री रोटेटेबल है, ये वाला जो पोर्शन है मैं इसको देखती हूँ, रोटेट हो रहा है ये इस तरीके से, मतलब आपको ना यहाँ से भी आपको रोटेट हो जाएगा, यहाँ से भी इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे आपको अगर वर्टिकल मोड में फ़ोन को खड़ा करना है तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो, अगर आपको हॉरिजॉन्टल में खड़ा करना है जैसे यूट्यूब वीडियो शूट करनी है तो इस तरीके से आप इसको फ़ोन को लगा सकते हो। और ये वाला ना ऐसे ये यहाँ से भी ओपन हो रही है, देखो इस तरीके से आपको स्प्रिंग मिल जाएगा और ये खुल भी जाएगी, और आपका फ़ोन अगर बड़ा भी है तो थोड़ा सा आप इसे ऐसे एडजस्ट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा सही है। और अब हम देखते हैं ये ब्लूटूथ का ऑप्शन आपको मिल रहा है, अगर आपको फ़ोन के साथ ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना, मैं ये बताती हूँ आपको मैनुअल से पढ़ के एक बार। हाँ सो ये ऑप्शन क्या है, बेसिकली आप ये वाला बटन ऑन करोगे, कैमरे का बटन इसमें दे रखा है, अगर आप अपने फ़ोन के ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट कर लेते हो ऑन करके, तो आप जब भी आपको फ़ोन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी फ़ोटो लेने के लिए, आप सीधा बटन पे क्लिक करोगे आपकी फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। ट्राईपोड वाला देखते हैं कि ट्राईपोड इससे कैसे बनता है, ये यहाँ पे आई थिंक खुलने वाला है, ये देखो ऐसे खुल गया इस तरीके से, आपको 3 लेग इसके मिल जाएंगे, 3 लेग आपको ओपन हो रहे हैं, ये यहाँ से इतना खींच जाता है ये, अभी देखते हैं इसकी लेंथ कितनी है। गाइज इसकी ना लेंथ इतनी है, आप देख सकते हो, देखो देख पा रहे हो तो इतनी लेंथ है इसकी, मतलब अगर हम इसको खड़ा करते हैं तो इतना आता है, ये मैंने इसको खड़ा कर दिया। गाइज में ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है बट मतलब मेरे ख्याल से तो अच्छी खासी है। और मैं आपको एक और टिप बताती हूँ, अगर आप खड़े होकर शूट कर रहे हो पर आपकी हाइट उतनी नहीं पहुंच पा रही है तो आप इजीली इसको ना कहीं पे रख सकते हो, जैसे वॉल वगैरह अगर आपके आसपास है या फिर टेबल आपके आसपास है तो शूट कर रहे हो तो इसको टेबल पे रख सकते हो या फिर वॉल पे रख सकते हो। बेसिकली इट्स एन होल्डर, मतलब आप फ़ोन को होल्ड कर लेगा और स्टैंड हो जाएगा एक जगह पर, तो अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए तो मतलब काफ़ी ज़्यादा सही है ये ऑप्शन, लाइट भी है साथ में और इतने पैसे में मेरे ख्याल से ये बिल्कुल अच्छा ऑप्शन है, कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रखी, कहीं से भी इसकी क्वालिटी में मतलब बिल्कुल वो नहीं आ रहा, ये भी आप देख सकते हो अगर आप इसको चलाओगे तो बहुत अच्छी खासी चीज़ है, आप कैरी भी कर सकते हो, कहीं लेके भी जा सकते हो, सबसे बड़ी बात तो इसकी ये है। और इस तरीके से आपकी ये वाली बंद हो जाएगी और देन आप इसको ऐसे करके फोल्ड कर सकते हो, देख कितना मिनूजा लग रहा है, आपको किसी को पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा ट्राईपोड स्टैंड है और इतनी ज़्यादा इसकी लेंथ है। सो इट्स अ वेरी वेरी बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम माई साइड, थम्स अप फॉर दिस, यू कैन। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो भी ये एक बॉक्स है यहाँ पे इस तरीके का, आप देख पा रहे हो तो इसमें देखती हूँ हमारा क्या चीज़ आई है, और ये है पोर्टेबल पेपर सोप पैक, तो बेसिकली ये आपके सोप पेपर है, तो मैं देखती हूँ कि अब अनबॉक्स करते हैं कि कैसे है। तो ये वाला आपकी साइड में इमेज है, ये इसका प्राइस डिटेल्स है, आप देख पा रहे हो तो ऐसा कुछ दिखता है, और अनबॉक्स देख करके देखते हैं कि वैसा ही आया है या नहीं आया। सो गाइस मुझे रिसीव हुई है कुछ इस तरीके की 2 बॉटल्स, तो ये ऐसे कुछ बबल्स वाले उसमें आए हैं, मुझे ये फोड़ने में बहुत मज़ा आता है, आई थिंक जिस जिसको मज़ा आता है आप कमेंट करके बताना भाई, ये वाली चीज़ लोग काफ़ी अच्छा लगता है, इसमें फोड़ने वाले हैं भी या नहीं, फूटे हुए ऑलरेडी। गाइस मीशो ने फिर से स्कैम कर दिया, ये फूटे हुए हैं सर, प्रोडक्ट में देखते हैं प्रोडक्ट में स्कैम हुआ है नहीं। तो मुझे इस तरीके की कुछ क्यूटू सी बॉटल्स रिसीव हुई हैं, तो इनकी भी मैं एप्लीकेशन आपको साइड में दिखा दूंगी कि कैसा है कैसा नहीं। तो इस तरीके के आपको कुछ सोप के, ये तो है लेमन फ्लेवर आपको मिला, पियर फ्लेवर है ये, खुशबू भी पियर वाली आ रही है गाइस, इसमें जैसे फ्रेग्रेंस वैसी ही है, और कुछ इस तरीके के ना आपको अगर आप देख पाओ तो मतलब फ्लावर होता है ना, तो फ्लावर जैसे येल्लो येल्लो कलर के आपको ऐसे मिलेंगे, इसमें सोप पेपर्स मिलेंगे, और आप पानी में डालोगे तो हाथ वॉश कर सकते हो इससे। हमारा ये ब्लू कलर वाला ये फ्लेवर है आपका ब्लूबेरी, गाइज इसकी फ्रेग्रेंस काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब इतना ज़्यादा अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी ब्लूबेरी वाले की, और इसमें भी आपको इस तरीके के सोप पेपर्स मिलेंगे, इनकी भी शेप कुछ हद तक वही है, शेप से क्या ले रहा है हमें हाथों में है ना,
मतलब ये ना काफी ज्यादा सही है और इसका प्राइस भी आपको इतना अफोर्डेबल है गाइस, 200 पेपर मिल रहा है वो भी अलग अलग फ्लेवर के। आई थिंक दिस इज वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और ऊपर से एक ग्लास के टम्बलर आपको मिल रहे हैं, इस तरीके के वो होते हैं ना साइंस लैब में, आप लेबोरेटरी वगैरह में जाते हो तो इस तरीके के टम्बलर रखे होते हैं। तो ये काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं देखने में, पास से भी मतलब काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। इस तरीके से आपको पियर और स्ट्रॉबेरी मिलेंगे इस पे बने हुए, और मेरी तरफ से तो अच्छा है। मतलब अगर देखो पब्लिक वॉशरूम्स में जाते हो, वहाँ के अगर आप सोप देखो, सैनिटाइजर देखो या फिर हैंड वॉशेस देखो, वो मतलब अलग अलग लोगों ने ना यूज़ किए होते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं हाइजीन की प्रॉब्लम होती है कि हम लोग इसे यूज़ करें। अभी कोरोना वायरस चल रहा था उस टाइम पर, तो आई थिंक ये बेस्ट रहता है कि आप अपने कैरी करो, अपने सोप पेपर लेके जाओ, वॉश करो हैंड्स। सो इट्स वेरी बेस्ट ऑप्शन ये आपकी लाइफ को, मतलब अब मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स अभी तक अनबॉक्स करे वो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं इजी बना रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, तो ये भी उन्हीं में से एक प्रोडक्ट है। तो मेरी तरफ से इसके लिए भी है थम्स अप, परचेज कर। गाइस नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो ये है, ये बॉक्स है, देखते हैं इसमें क्या आया है क्या नहीं हमें रिसीव हुआ है। सो लेट्स चेक, ये पहले पढ़ लेती हूँ क्या है इसमें। ये है पोर्टेबल फ़ैन, पोर्टेबल फ़ैन मैं आपको दिखाती हूँ। ये मतलब मेरा ना, मैं जिस प्रोडक्ट के लिए सबसे ज़्यादा वेट कर रही थी ना वो यही है। ये समर में आपके लिए इतना ज़्यादा मतलब वो रहने वाला है, तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स। ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ये इसका प्राइस है, और अनबॉक्स करते हैं। ये कुछ इस तरीके के गंदी सी पैकेजिंग में आया है, अब अंदर से इसको देखते हैं, इस तरीके से ये निकल जाएगा। तो ये डब्बा इस तरीके का भेजा हुआ है, ऐसा फैन दिखता है ये। अभी खोल के देखते हैं कि ऐसा ही दिखता है या कुछ हमारे से झोल तो नहीं हो गया। गाइस कलर इतना प्यारा है इसका, पीच पिंक कलर है ना, मतलब बहुत सुंदर है। अब ये चल जाए ना तो मतलब आप ये बोलोगे ना कुछ अच्छी चीज़ और ज़्यादा वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। तो मैं दिखाती हूँ इसके साथ और को क्या क्या चीज़ें आई है। ये आई है छोटू सी डेटा केबल इस तरीके की, और जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हो। चार्जिंग का इसका प्लग है ये रहा, इधर आपको छोटा सा चार्जिंग का प्लग मिल जाएगा, आप इसको सीधा इसमें डालो, ये फिट हो गई है बिल्कुल इसमें, और अपने चार्जर में लगाओ और चार्ज कर लो, हो जाएगा आपका चार्ज। देन ऑन ऑफ का देख लेते हैं। एक इसके साथ ये वाली चीज़ भी आई है, आई थिंक ये क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, इसको ऐसे लगा के देखते हैं। हाँ ये आई थिंक स्टैंड करने का, कि अगर आपको फ़ैन को कहीं रखना है तो आप उसको लगा सकते हो, रख सकते हो इस तरीके से। अब मैं करती हूँ बटन को प्रेस, तो देखते हैं हवा आती है या नहीं आती है, कितना ये इफ़ेक्टिव है कितना नहीं। सो 1 2 3 गाइज आप देख पा रहे हो, एक बार और बटन को प्रेस करती हूँ। गाइज इसका मूड चेंज हो रहा है, मतलब हवा मतलब इतना है कि अगर मैं कहीं इसको लेके बैठी हूँ तो मेरे फेस वाला पूरा एरिया कवर हो रहा है, और आप देख रहे हो मेरे बाल भी उड़ रहे होंगे इस फैन की वजह से। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सही है ऑप्शन आपके लिए गर्मी में, अगर आप कोई ऑटो वगैरह में बैठो। अब ऑटो में तो आपके लिए कोई एसी चलाने आएगा नहीं, आई नो ऑटो में एसी नहीं होता, बट वहाँ पे पोर्टेबल फ़ैन हो सकता है, तो आप इसकी हवा ले सकते हो। एक बार और बटन। गाइज इसमें 3 मोड है, मतलब आप ना पहले लो लेवल से स्टार्ट करोगे, फिर हाई से, फिर मतलब मोर हाई प्रेस हो जाता है। एक बार और चेक करती हूँ, क्या पता 4th मोड भी हो। नहीं गाइस 4th मोड इसमें नहीं है, फर्स्ट देन सेकंड देन थर्ड। और आप देख पा रहे हो ना इसमें लाइट भी जल रही है, अगर आप मैं मतलब अंधेरे में कहीं रखा हुआ है तो इस तरीके की आपको ब्लू कलर की लाइट जलने को मिलेगी, और आप चार्ज कर सकते हो। गाइस मुझे तो इस प्रोडक्ट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, मेरे बाल भी उड़ रहे हैं इसमें, तो अच्छा खासा ऑप्शन है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं तो इसको डेफिनेटली यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है पब्लिक प्लेस में जा रहे हो, पब्लिक प्लेस में बैठे हुए हो, तो स्टेशन वगैरह है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, और अभी तो अप्रैल का मंथ स्टार्ट होने वाला है, आई थिंक हो ही जाएगा अभी, तो उसके लिए तो आई थिंक दिस इज़ वेरी बेस्ट गुड ऑप्शन। आपके फेस पर तो एटलीस्ट हवा लगी जाएगी, और इतना बुरा भी नहीं है गाइज, ये अच्छा है। चार्ज करो हवा खाओ, चार्ज करो हवा खाओ, इस तरीके से।
टोटल मेरी तरफ से गाइस थम्स अप है इस प्रोडक्ट के लिए। सबसे प्यारी बात है इसका कलर, ये कलर मुझे बहुत डेफिनेटली पसंद आया है, तो आप इसको कर सकते हो परचेज। नेक्स्ट करते हैं अगले प्रोडक्ट को अनबॉक्स। वीडियो का लास्ट प्रोडक्ट हम अनबॉक्स करने वाले हैं, तो ये मैं देखती हूँ क्या आया है गाइज। ये है कॉम्बो जिसपे आई है चार टी शर्ट्स, आपको टी शर्ट्स के कॉम्बो आपको मिलेंगे। ये वाली टी शर्ट कुछ इस प्रकार दी गई है, और अनबॉक्स करके देखते वैसी आई है या नहीं है। मुझे डर लग रहा है कभी वैसी आई ना हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्यूट क्यूट है। इनके कलर आप मतलब देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर सुंदर कलर्स हैं, येलो हुआ और लेवेंडर हुआ, तो देखते हैं। तो गाइस ये 4 सेट ऑफ टी शर्ट्स आई हैं, आप देख सकते हो कैसी आई है। एक एक करके सबको अनबॉक्स करके देखते हैं पहले। तो सबसे पहले हमें रिसीव हुई है वाइट कलर वाली टी शर्ट, आप फिर से इमेज देख लो एक बार कैसी है। और मैंने ऑर्डर किया है मीडियम साइज, तो मुझे पहले मैंने सोचा था कि मैं लार्ज ओवर साइज होने के लिए तो लार्ज ऑर्डर करूं, बट देन आई थॉट कि मीडियम ऑर्डर करती हूँ, कि क्या पता कैसा आए कैसा नहीं, तो मैंने मीडियम साइज ऑर्डर किया है। तो मुझे रिसीव हुई है कुछ इस तरीके की, लेंथ इनकी ऐसी है, और मैं पहन के भी वियर करके भी आपको दिखा देती हूँ एक बार कैसी लगेगी वियर करने के बाद ये वाली टी शर्ट्स। गाइस अगर मैं इसके प्रिंट की बात करूँ ना, तो मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब प्रिंट इसका अब पिक्चर में देखो और इसमें देखो, मुझे कहीं से भी है ना जस्टिफाइबल नहीं लग रहा है कि जस्टिफाइबल है ये वाला प्रिंट। बाकी आपकी विश है, और इस पे लिखा हुआ है मियाँ मियाँ, मतलब मियाँ लिखा हुआ है तो ठीक है, ओवरऑल कॉम्बो में आई है तो आई विल नॉट जज दैट मच। तो पहनने के बाद कुछ ऐसी लग रही है, आप देख सकते हो साइड में। नेक्स्ट ओपन करते हैं, तो नेक्स्ट है ये येलो कलर वाली, यहाँ पे भी येलो कलर वाली आप देख सकते हो कैसी है। गाइज इसका फैब्रिक ना मैं मतलब क्या बताऊँ, ये वाली येलो कलर की टी शर्ट है, ये बच्चों वाली बिल्कुल आई हुई है। अब मुझे ये नहीं पता ये मुझे फिट होंगी ना नहीं होंगी, आप देख लो साइड में कैसी लग रही है कैसी आ रही है ये। सो प्रिंट भी इसका ही यहाँ पे पांडा छपा हुआ है क्यूट सा, और हर्ट लगा हुआ है, और आप पिक्चर में देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है जिसने पहनी हुई है। बट ठीक है चल जाएंगी, समर में मतलब सही रहती है इस टाइप की टी शर्ट्स आप डाल सकते हो। मेरी दो टी शर्ट्स ने मेरी ना उम्मीद बिल्कुल ऐसे कर दी है, आप समझ जाओगे। नेक्स्ट जो मैंने मतलब पर्सनली फेवरेट है मेरी ऑर्डर की है, तो वो है ये लेवेंडर वाली, अब देखते हैं ये मेरी उम्मीद ना तोड़े। सो गाइस नेक्स्ट ये वाली टी शर्ट है, इसका भी साइज वैसा ही है, इस पे भी ये पांडा छपा हुआ है। गाइस इनका प्रिंट ना जितना मतलब पिक्चर में अच्छा लग रहा है ना, उतना ही रियल में ना बेकार लग रहा है, ख़राब लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है ये एक ही वॉश से ना भाग जाएगा। ये आप पांडा देख सकते हो पिंक कलर का, अगर इनका डार्क होता ना तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर लगती, काफ़ी ज़्यादा सही लगता, अभी ना पुरानी पुरानी सी लग रही है ये, सही बताऊँ तो पता किसके। तो ऐसी ऐसी आई हुई है, ये भी ठीक है, पहनने के बाद कुछ इस तरीके की लगेगी आप देख सकते हो यहाँ पे। सो नेक्स्ट लास्ट वाले करते हैं बेटा, ये किया मीशो ने झोल। अब पिक्चर देखो, ये देखो, आनी थी पिंक कलर की, दे दी रेड कलर की, क्या मतलब कलर ब्लाइंडनेस हो गई है या तो मुझे या फिर मीशो को, इन्होंने मतलब पिंक की जगह रेड कलर दे दिया और ऊपर से कुछ ऐसा प्रिंट दिया है, तो मेरा मन तो नहीं कर रहा है इसको खोलने का गाइस, क्योंकि मेरा दिल तो इस लवली वाली टी शर्ट पे था, बट कर लेते हैं इसको भी अंदर। गाइस अगर आपको जाना है बीच पे तो कुछ इस तरीके का स्कूटर वाला प्रिंट आपको मिलेगा, ये देख सकते हो आप, इतनी इसकी लेंथ है, मीडियम साइज़ में इसकी लेंथ आपको इतनी दी गई है। पहनने के बाद कुछ इस प्रकार की लग रही है, आप देख सकते हैं। तो मतलब मैं ना इन इस कॉम्बो से ना मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मतलब अब प्राइस देके इतना भी देके आप
आपको अगर ऐसी चीज़ मिल रही है ना तो आई डोंट थिंक कि आपको खरीदनी चाहिए। मैं इसके लिए ना बहुत ज़्यादा डाइसी हो रही हूँ, बट अगर आप चाहो तो यू कैन गो फॉर इट, बट रेडी रहना कि आपको एक टी शर्ट गलत आपको रिसीव हो सकती है, ठीक है। तो आप रिव्यूज़ देखना, सब कुछ देख के तब ये वाला कॉम्बो परचेज करना। आई नॉट रिकमेंड दैट, तो मेरी तरफ से इसके लिए नो है, बिग नो, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा मीशो हॉल। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा ऐसा मीशो हॉल और लेके आऊँ आपके साथ, रियल रिव्यूज़ शेयर करूँ कि कैसे प्रोडक्ट्स आए कैसे नहीं, और तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो इस चीज़ का चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, और बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज़।